नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी और बीजेपी लगातार आपातकाल पर कांग्रेस को घेर रहे हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है जिसको बीजेपी और आरएसएस अब छुपाना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज श्रीवास्तव ने चिट्ठियां ट्वीट की हैं जो आरएसएस प्रमुख दत्तात्रेय देवव्रत की हैं, जो इंदिरा गांधी और विनोबा भावे को लिखी गई थी। पंकज श्रीवास्तव ने ट्वीट किया है कि 25 जून आते ही शाखा मृग क्यों दांत किटकिटाने लगते हैं, क्योंकि आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहेब देवरस ने न सिर्फ इमरजेंसी का समर्थन किया था बल्कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सही ठहराए जाने पर भी बधाई दी थी। कहा था कि संघ से प्रतिबंध हटाया जाए ताकि स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में इंदिरा जी की मदद कर सके। उन्होंने कहा है कि देवरस ने इस संदर्भ में इंदिरा गांधी को 2 और विनोबा भावे को 1 पत्र लिखा था जो संलग्न है। कोई संघी इमरजेंसी पर ज्ञान दे तो उसके मुंह पर फेंक कर मारिएगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आपातकाल याद दिलाया और मोदी की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में मोदी ने कोई भूमिका नहीं निभाई। वो गुजरात में आरएसएस के प्रचारक थे, जहां बाबू भाई के नेतृत्व वाली जनता मोर्चा की गुजरात सरकार के कारण अधिकांश समय कोई आपातकाल नहीं था। मोदी को श्रेय लेने की कोशिश करने की बुरी आदत है। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को मॉस्को की एक दिवसीय यात्रा करेंगे। इस खबर को रीट्वीट कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि और फिर भी उनके पास कुछ घंटों के लिए भी मणिपुर जाने का समय नहीं है। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसको लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों में तकरार देखने को मिल रही है। ये चुनाव कल यानी बुधवार को होने वाला है। इसी क्रम में कांग्रेस ने लोकसभा में अपने सांसदों को कल 26 जून को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के इस सत्र के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बागी राजनीतिक नेताओं पर अपना रुख नरम कर लिया है। लगभग 10 दिन पहले के अपने रुख के उलट अब वह उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे के साथ मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि पार्टी में उन लोगों के लिए जगह नहीं है जिन्होंने विद्रोह किया और अपनी पार्टियों को विभाजित किया। लेकिन अगर बागी विधायकों के शामिल होने से पार्टी को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने में मदद मिलेगी तो मुझे उन्हें पार्टी में शामिल करने में कोई समस्या नहीं है। ये कहते हुए कि पार्टी के साथी सहयोगियों को उनका स्वागत करने से पहले विश्वास में लिया जाएगा और उनके निर्णय पर विचार किया जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मंगलवार को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपनी शपथ मैथिली भाषा में ली। खास बात यह रही कि पप्पू यादव जो टी शर्ट पहनकर गए थे उस पर रीनीट लिखा हुआ था। पप्पू यादव की संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद पप्पू यादव ने कुछ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि रीनीट, बिहार के लिए विशेष दर्जा, सीमांचल जिंदाबाद, मानवतावाद जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद। इसी दौरान सामने बैठे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उनको टोक दिया। इसके बाद पप्पू यादव नाराज हो गए। उन्होंने अंगुली दिखाते हुए कहा, मैं 6ठी बार का सांसद हूँ, आप अब हमको सिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा, आप तो कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ, निर्दलीय जीता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 4थी बार निर्दलीय चुनाव जीतकर संसद पहुँचा हूँ। आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी श्री। उत्तर प्रदेश की बरेली के बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने संसद में हंगामा खड़ा करवा दिया। उन्होंने संसद में शपथ ली और इसके बाद जय हिंदू राष्ट्र कहा। उसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और कहा कि संविधान की कसम खा के संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने चीख चीख कर कहा, ये संविधान के खिलाफ है। निर्वहन करूंगा, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को संसद में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर शपथ ग्रहण करने पहुंचे। शपथ ग्रहण करने के बाद राहुल गांधी ने जय हिंद और जय संविधान का नारा लगाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी शपथ ली और उन्होंने भी अपने हाथ में संविधान पकड़ा हुआ था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता संविधान हाथ में पकड़कर ही शपथ ले रहे थे।
हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के दौरान ओवैसी ने जय फलिस्तीन का नारा लगाकर विवाद पैदा कर दिया। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर सांसदी की शपथ ग्रहण की। सांसद पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने जाते जाते जय भीम, जय तेलंगाना और बाद में जय फलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसको लेकर संसद में भाजपा सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। ट्विटर पर BJP नेता गौरव भाटिया ने लिखा है कि फिलिस्तीन से शपथ का क्या लेना देना, भेजो इसे वहीं पर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आईन पर, जो कानून के मुजब तय पाया है, एतखाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लोकसभा के नए अध्यक्ष पर पद को लेकर नया ट्विस्ट आ गया है। इस प्रतिष्ठित पद के लिए विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पद पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। केरल को कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब उनका मुकाबला NDA के स्पीकर ओम बिरला से होगा। कांग्रेस ने सरकार पर डिप्टी स्पीकर को लेकर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इसके थोड़ी देर बाद स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर विपक्ष ने बड़ा कार्ड खेला है, वो कार्ड है दलित कार्ड। अब BJP और उसके सहयोगियों को भी सोचना पड़ेगा कि वो दलित के साथ हैं या नहीं। पता भी चल जाएगा कि TDP और JDU स्पीकर के लिए BJP के साथ हैं या नहीं। कुल मिलाकर अब खेल होगा। यही कार्ड BJP ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के खेला था। कुल मिलाकर विपक्ष विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि विपक्ष को अच्छे से पता है कि उसके पास स्पीकर का चुनाव जीतने के लिए संख्या नहीं है। उसके बावजूद भी विपक्ष स्पीकर का चुनाव लड़कर एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। पहला, सरकार को हर कदम पर इम्तिहान देना होगा और दूसरा, 234 की संख्या बल एकजुट है, कम हुए हैं या पर संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा है कि अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता है तो वो अब भी स्पीकर पद के लिए NDA उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार है। KC वेणुगोपाल ने कहा कि कल ही PM मोदी ने सहमति से चलने की बात कही, हम स्पीकर पद के लिए उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन उन्हें विपक्ष का ख्याल रखना चाहिए। TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर पद के उम्मीदवार के लिए उनकी पार्टी से संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर पद के उम्मीदवार को लेकर हमारी पार्टी से संपर्क नहीं किया गया, इस बारे में कोई बात नहीं की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरफा फैसला लिया गया है। इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को स्पीकर पद के मैदान में उतारने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर के नाम तय करें, फिर हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं। एक अच्छी परंपरा होती अगर अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से होता। अध्यक्ष किसी दल या विपक्ष का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। उसी प्रकार उपाध्यक्ष भी किसी दल या समूह का नहीं होता, इसे सहमति होनी चाहिए। सदन की ऐसी शर्तें कि कोई विशेष व्यक्ति या किसी विशेष दल का ही उपाध्यक्ष हो, लोकसभा की किसी भी परंपरा में फिट नहीं बैठता। कांग्रेस नेतृत्व आज से अगले 2-4 दिनों तक राज्यों के नेताओं के साथ स्ट्रेटेजी मीटिंग करने वाला है। ये राज्य हैं झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी अगले 4 दिन राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल की मौजूदगी में बैठक की गई। कल झारखंड के नेताओं के साथ बैठक हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि महाराष्ट्र में हम लोकसभा चुनाव बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में लड़े। मैं पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के हर एक नेता कार्यकर्ता को बधाई देता हूं, बूथ एजेंट को बधाई देता हूं और हम महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र को देश का सबसे समृद्ध और विकासशील राज्य बनाया था, पर भाजपा की सरकार ने उद्योग चौपट कर दिए और जनता को बेरोजगारी और महंगाई के कुचक्र में धकेल दिया। किसानों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, देश अब बदलाव की ओर देख रहा है। महाराष्ट्र ने इसका स्पष्ट संदेश दे दिया है, हमें चुनाव की तैयारियों में लग जाना है, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। इसने निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल पीठ ने ईडी की उस अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें 20 जून को केजरीवाल को जमानत दी गई थी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा और हाईकोर्ट के कदम के खिलाफ उनकी याचिका पर 26 जून को सुनवाई करेगा। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। पुणे पोस्ट कार मामले में नाबालिग अभियुक्त को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इस मामले में नाबालिग के वकील प्रशांत पाटिल ने इस बात की जानकारी दी। बता दें महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पोस्ट कार से दो लोगों को टक्कर मार दी। ये घटना 18 मई को पुणे की कल्याणी नगर इलाके में हुई। हादसे में बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा दोनों की मौत हो गई। हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी छोड़ने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी पार्टी नेता और जल मंत्री अतिशी की तबीयत काफी खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन खत्म कर दिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि अतिशी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पहले उनका ब्लड शुगर लेवल 43 आया, फिर जब चेक किया गया तो 36 आया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, हालत बहुत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अतिशी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। वो 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी थी, अब विरोध बंद कर दिया गया है, लेकिन विरोध के और भी तरीके हैं। मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं और संसद में भी ये आवाज़ उठाऊंगा। केन्या के हजारों प्रदर्शनकारी मंगलवार को संसद में घुस गए। प्रदर्शनकारी टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद के एक हिस्से में आग लगा दी। आग की घटना के बाद जान बचाने के लिए सभी विधायक संसद से बाहर निकल गए। केन्या प्रदर्शनकारियों ने प्लान टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग की। राजधानी नैरोबी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प की। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को शांत कराने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट ने कहा कि उसने यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोपी 2 शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। हेग स्थित अदालत ने रूस के सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल वालेरी वी गेरासिमोव और देश की सुरक्षा परिषद के एक वरिष्ठ सदस्य सरगेई के शोइगु पर 2022 की सर्दियों में यूक्रेन की बिजली प्लांट के खिलाफ हमले के अभियान का निर्देश देने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सेना के एक टॉप कमांडर को बर्खास्त कर दिया। यह कदम सार्वजनिक आलोचना, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत और पद को लेकर अयोग्यता के आरोपों के बाद उठाया गया है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को यूनाइटेड किंगडम की जेल से रिहा कर दिया गया है। असांज यूएसए में जासूसी कानून के उल्लंघन के आरोप के मुकदमे का सामना करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसी समझौते के तहत उन्हें आज़ादी मिली है। उन्हें सोमवार 24 जून को ब्रिटेन की बेलमार्स जेल से रिहा कर दिया गया और सीधे एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।